स्वागत है मेरे प्यारे साथियों एक बार फिर से प्रैक्टिस विद वढेरा के पार्ट फाइव में। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड हम समझेंगे और एवरेज स्पीड पे आज हम कुछ दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा है जहां पे हमें डिस्टेंस गिवन है और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जहां पे डिस्टेंस गिवन नहीं है। अगर गिवन हो तो क्या अप्रोच रहेगी, अगर ना गिवन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो बने रहें अगले कुछ मिनटों तक अगर आप एवरेज स्पीड को टिप्स पे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट है जिसमें तीन चीजों की बात की गई है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो भाई टाइम स्पीड और डिस्टेंस में एक सिंपल सा रिलेशन ये है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के इक्वल, हमें सबको पता है। बट एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि स्पीड्स की आप एवरेज ले लें। एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको कितना टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस को जब आप टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे यू विल गेट एवरेज स्पीड। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैसे सॉल्व करना है, आइए देखें। कहा यह गया, अ मैन डिवाइड्स हिज जर्नी इनटू थ्री पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर एंड 27 किलोमीटर। तो पहली लाइन में हमें ये कहा गया कि एक बंदा है जो अपनी जर्नी को जो है वो कुछ तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसमें पहला वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कुछ 20 किलोमीटर, फिर करता है 18 किलोमीटर, फिर करता है 27 किलोमीटर, और आगे ये कहा गया ही ट्रेवल्ड एट स्पीड्स ऑफ 5 किलोमीटर पर आर, 6 किलोमीटर पर आर एंड 9 किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टिवली। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जब वो शख्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था तो वो 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे गया, जब उसने 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वो कुछ 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे गया, और जब लास्ट उसने 27 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी स्पीड थी 9 किलोमीटर पर आर। तो हमसे पूछा ये गया है व्हाट वाज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, पूरे सफर की एवरेज स्पीड क्या है, ये हमसे पूछी गई है। देखो मेरे प्यारे साथियों, एवरेज स्पीड का सिंपल मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन, इनको डिवाइड कर दो भाई। तो टोटल डिस्टेंस सबसे पहले हम देखेंगे, इन्होंने पहले 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है, फिर 18 किया है और फिर 27 किया है। ये देखें पहला क्वेश्चन, उसने 20 किलोमीटर प्लस 18 किलोमीटर और लास्ट में उसने ट्रेवल किया 27 किलोमीटर, तो ये था टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने अपने पूरी जर्नी में ट्रेवल किया। तो जब आप टोटल देखेंगे 20, 18 और 27, ये होता है हमारे पास कुछ 65 किलोमीटर। अब ये 65 किलोमीटर क्या है, ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो हमने निकाल लिया, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, ये देखो मेरे प्यारे साथियों, जब वो शख्स 20 किलोमीटर जाता है तो वो 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे जाता है। देखिए डिस्टेंस अगर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम है तो टाइम जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले डिस्टेंस 20 डिवाइडेड बाय स्पीड 5, तो टाइम यानी कि T1 पहला टाइम आएगा कुछ 4 घंटे। ऐसे ही T2 निकालेंगे, जब वो 18 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था 6 की स्पीड पे तो 18 अपॉन 6 यहां से निकल के आएगा कुछ 3 घंटे, और T3 लास्ट जो 27 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया किस स्पीड पे किया, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे, तो यहां से भी कितना टाइम आएगा, 3 घंटे। तो पहले 4 घंटे लगे, फिर 3 और लगे, फिर 3 और लगे, तो क्या टोटल टाइम जो है वो 10 घंटे आ गया। तो जी बिल्कुल, टोटल टाइम इज 10 आवर्स। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल देखेंगे, 65 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी कि 10, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 6.5 किलोमीटर पर आर। ये उस शख्स की क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड भाई सिंपल सा यही है, टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम से उसे आप क्या कर दो, डिवाइड। अगर आप इन तीनों सोचो कि तीनों स्पीड्स का सम करके 3 से डिवाइड कर देंगे और एवरेज स्पीड आ जाएगी, भाई आप गलत हो।
एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये था पहला क्वेश्चन, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन और भी प्यारा क्वेश्चन है, इसमें डिस्टेंस गिवन नहीं है तो कैसे करना है। आइए, सुमन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अब भाई सुमन जो है वो ए से बी जाती है, किस स्पीड पे जाती है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। फ्रॉम बी टू सी एट 20 किलोमीटर पर आवर, फिर वो बी से सी गई, किस स्पीड पे गई, कुछ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। फ्रॉम सी टू डी एट 30 किलोमीटर पर आवर, लास्ट में वो सी से डी आगे गई फर्दर पॉइंट पे, किस स्पीड पे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी, यानी कि ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस और सी से डी का डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो पूछा ये गया है कि इस केस में एवरेज स्पीड क्या आएगी। कई बंदे तो ये सोच लेते हैं कि भाई हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपने कहा था टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, बट यहाँ पे तो डिस्टेंस गिवन नहीं है। जब यहाँ डिस्टेंस गिवन नहीं है, यहाँ आप डिस्टेंस सपोज कर सकते हो, रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमें दे रखा है कि ए बी बी सी और सी डी आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो डिस्टेंस सपोज करेंगे, किस बेसिस पे सपोज करेंगे, आइए देखें। ए से बी गया 15 की स्पीड पे, तो देखो टोटल डिस्टेंस कैसे सपोज करना है। आपको जो जो स्पीड्स दे रखी हैं, पहले दे रखी है 15 किलोमीटर पर आर, फिर दे रखी है 20 किलोमीटर पर आर, फिर दे रखी है 30 किलोमीटर पर आर। तो 15 किलोमीटर पर आर, 20 किलोमीटर पर आर एंड 30 किलोमीटर पर आर, आप क्या करें, इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम ले लें और इसे टोटल डिस्टेंस सपोज कर लें, जैसे ए बी का या बी सी का या सी डी का। देखें 15 किलोमीटर, 20 और 30, इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा 60। तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस ए से बी का कितना था, 60, बी से सी भी 60, सी से डी भी कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आर। अब देखो जब कोई शख्स 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाता है तो उसको कुछ 4 घंटे लगते हैं, 20 की स्पीड पे 60 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटे लगते हैं, और जब 30 की स्पीड से 60 जाता है तो 2 घंटे लगते हैं। देखो मेरे प्यारे साथियों, पहले जो 60 किलोमीटर ट्रेवल करने थे 20 की स्पीड पे 4 लगे घंटे, अगले में 3 लगे और अगले में कितने लगे, 2। तो हमें तो चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी कि ए से बी 60 है, बी से सी 60 है और सी से डी भी 60 है। इट मींस कि यहां पे जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना आएगा, 180 किलोमीटर, और टोटल टाइम टेकन हमारे पास आ चुका है 4, 3, 7 और ये 2, 9 घंटे लगे, ये टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस आपने निकाल लिया 180, टोटल टाइम 9 है, तो 180 अपॉन 9 इज 20 किलोमीटर पर आर। ये हमारे पास क्या निकल के आएगी इस केस में, एवरेज स्पीड। तो पहला क्वेश्चन ये था जिसमें हमें डिस्टेंस गिवन था, दूसरा केस वो था जहां डिस्टेंस गिवन नहीं था, बट नहीं गिवन था तो हमने सपोज किया। सपोज किस बेसिस पे करना है, जो स्पीड्स दे रखी हैं उनका हम एलसीएम लेंगे, उसे हम डिस्टेंस सपोज करेंगे, तीनों के रिस्पेक्टिव टाइम्स आ जाएंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। यही था आज के सेशन में। अगर ये सेशन आपको बढ़िया लगा हो तो भाई इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाते हैं। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच।